आज आपके साथ सबसे इजी मतलब मैनिफेस्टेशन की सबसे इजी मेथड शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये मेथड अपने बच्चों के साथ भी शेयर करोगे ना, तो वो भी इजीली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इतनी इजी मेथड आज आपके साथ शेयर होने वाली है। हाय गाइस, माय सेल्फ आस्था, और मेरे चैनल पे बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस टैरो कार्ड से रिलेटेड वीडियोज़ की। सो अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हो या फिर आप मेरा हीलिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मेक श्योर आप बुकिंग करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर रीड कीजिए। जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी मेथड चलती रहती हैं कि हमें कौन सी मेथड किस मैनिफेस्टेशन में लगानी है। अफर्मेशंस की भी बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें अपने लिए अफर्मेशन चुनने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आज आप अपने बच्चों के साथ भी शेयर करोगे, अगर वो अपनी स्टडी में मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो या कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना। मैंने कहा ना, आज की मेथड इतनी इजी है कि बच्चे भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना जान जाएंगे। सो इस मेथड का नाम है 1-2-3 मैनिफेस्टेशन मेथड। बहुत यूनिक है ना, ये मैंने खुद ही अपने आप से बनाई है क्योंकि मेथड मेरे लिए, मैंने जब भी यूज़ करी है तब मेरे लिए काम करी है। सो 1-2-3 मेथड बहुत सिंपल है। सो सबसे पहले चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, हाउ टू मैनिफेस्ट ईजिली विथ 3 सिंपल स्टेप। फर्स्ट स्टेप है इसका क्लैरिटी। आपको क्या मैनिफेस्ट करना है उस चीज़ की क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। आपको जीवन साथी मैनिफेस्ट करना है, आपको अपना स्पेशल पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, आपको पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, क्योंकि हमारी विशेस की जो लाइन है वो बहुत लंबी है, अनगिनत हमारी विशेस होती हैं। अगर एक विश पूरी हो जाती है तो उसके बाद नई विश के लिए हम तैयार होना शुरू हो देते हैं। इसीलिए बेस्ट है कि सबसे पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आओ कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। तो ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2, आपको दिन में 2 बार लगातार 2 दिन तक करते ही जाना है। आपकी जो भी आपने क्लैरिटी सोची है स्टेप नंबर 1 में कि मुझे घर खरीदना है, तो अब आपकी अफर्मेशन क्या होगी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ ब्यूटिफुल होम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक नया घर है। इस सेम एक सिंगल अफर्मेशन को जो भी आपने क्लैरिटी सोची हुई है या जो आपको मैनिफेस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग अफर्मेशन को बनाइए, और सिर्फ एक सिंगल अफर्मेशंस को आपको दिन में रोज़ाना जितनी बार आप रिपीट कर सकते हो अपने माइंड में लगातार 2 दिन तक रिपीट करते रहो। क्लियर है आप लोगों को स्टेप नंबर 2। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप नंबर 3, जो कि है आपको चीज़ों को अब उसी तरीके से विजुलाइज करना है जैसे कि चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में पूरी हो चुकी हैं। और साथ ही साथ आपको रोज़ाना 3 मिनट का मेडिटेशन करना है। अब ये 3 मिनट का मेडिटेशन आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। अपने फ़ोन में 3 मिनट का टाइमर लगाइए या फिर उससे कम भी आप लगा सकते हो, लेकिन 1 मिनट से कम मत लगाइएगा क्योंकि आपको अपनी विश पे फोकस करना है। और रोज़ाना या फिर बेटर टाइम है अगर आप वर्किंग प्लेस में हो, वहाँ पर मेडिटेशन मुश्किल है, तो रात को सोने से पहले आप 3 मिनट का टाइमर लगाओ और जो भी आपने सोचा है, जो आपकी क्लैरिटी है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को मिक्स करके ऑलरेडी महसूस करना है 3 मिनट तक कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है। और ये चीज़ कंटिन्यू आपको नेक्स्ट 3 डेज तक करनी है, यानी कि ये मेथड टोटल 5 दिन काम करेगी। 2 दिन लगातार आपको अफर्मेशन बोलनी है और 3 दिन लगातार आपको 3 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन किसी भी समय कर सकते हो जब आप फ्री हो, और मेरे ख्याल से 24 घंटे में अगर आप अपने लिए 3 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर वाओ, आपको अपनी लाइफ को पूरी तरीके से मैनेज करना होगा बिकॉज आपकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब्ड है। सो इस मेथड को आज से अभी से यूज़ करो, और अगर आप चाहते हो आपके बच्चा पढ़ने में कंसंट्रेट करने लगे, उसके मार्क्स अच्छे आने लगें, तो ये मेथड उनको ज़रूर यूज़ करने बोलना। और अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, पैसा चाहते हो, लव चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, जो भी चाहते हो, बस इस मेथड को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।